हेलो, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। आप सभी अब क्लास 12th पार कर चुके हो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th के बाद जो आप सबकी इच्छा होती है कि आप 12th के बाद एक कॉलेज एडमिशन लो। तो आज हम इसी टॉपिक पे ड्यू एडमिशन 2021 के सारे टॉपिक्स पे, जो कि आपके एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है कि फॉर्म कब आउट होंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है ड्यू एडमिशन 2021 का, कैसे आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की और बहुत रैंक करती है और इसके जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपके ड्रीम होता है क्लास 12th के बाद एडमिशन लेने का, चाहे वो आपका कोई सा भी कोर्स हो। तो आपके इस सेशन के लिए 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड हम लाने वाले हैं सारी वीडियोज़, जिसमें कि आपको कंप्लीट कब रजिस्टर करना और रजिस्ट्रेशन से लेके आपके फीस पे हो जाने के बाद, आपका रोल नंबर तक आ जाने के बाद तक मैं सारा गाइडेंस देने वाला हूँ आपको। बिकॉज अब मैं कौन होता हूँ इस टॉपिक पे बात करने वाला, हु एम आई टू टॉक अपॉन ड्यू एडमिशन 2021। सो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, दिस इज रोशन यादव एंड आई एम परसुइंग माई सेकेंड ईयर नाउ इन थर्ड ईयर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम ड्यू, वन ऑफ कॉलेज PGDLV कॉलेज, यू कैन सी, एंड आई करंटली परस्यू इन थर्ड ईयर। सो आपको मैं गाइडेंस देने वाला हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे जूनियर्स हैं, पिछले साल भी मैंने अपने 10 से 15 जूनियर्स को एडमिशन लेने में गाइड किया था। तो आप ये ना सोचो कि आपको मैं अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने जितने भी अपने दोस्तों के भी एडमिशन कराए अपने साथ, मैंने बहुत रिसर्च करी है ड्यू एडमिशन, जब मैं भी खुद 12वीं पास हुआ था तो मैंने भी खुद बहुत रिसर्च किया था, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए, गूगल से लेके यूट्यूब से लेके सारा मैंने ड्यू एडमिशन पे बहुत रिसर्च किया, क्योंकि मेरा भी सपना था जब मैं 9th, 10th, 11th, 12th में था कि ड्यू के एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, इन्जॉय करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो आप सबके एडमिशन के लिए भी मैं एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट पूरी लाने वाला हूँ, जिसमें कि आप जो इस बार के सेशन के, क्योंकि आपके क्लास 12th के पेपर्स तो नहीं हुए, कैंसिल हो गए, बट आपके अब एडमिशन मेन ऑफ क्लास 12th के बाद ड्यू एडमिशन लेते हो तो उसमें सारी हेल्प आपको मिलेगी। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को, वो मेरे से क्वेरी करते रहते हैं, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे दोस्त, मैंने अपने 4-5 दोस्तों का एडमिशन कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस में, जितने जूनियर्स हैं उनको गाइड करवा के कॉलेजेस में एडमिशन कराया। तो आपके भी इस बार के एडमिशन की जिम्मेदारी मेरी, सारे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म कब आउट हो रहे हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जैसे कि आपको क्लास 12th के बाद कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कोर्स तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं आपको सजेशंस, ऑप्शंस, सारा कौन सा कॉलेज बेस्ट है किस कोर्स के लिए, कब फॉर्म आउट होने वाले हैं, कब आपको अप्लाई करना है, क्या हुआ है, अभी तक की जितने भी ड्यू एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं 2021 के लिए वो देने वाला हूँ। तो इस वीडियो का एंड तक देखना और मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे आपको ड्यू एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करना, और अभी के लिए जो 5-6 अभी जितनी भी आपको कंक्लूजन दे दूंगा, जितनी भी अपडेट्स आई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग 2021 में, तो वो कैसे आप एडमिशन लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि एक जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वाइस चांसलर PC जोशी ने बोला था कि हम गवर्नमेंट के साथ रहेंगे और जैसे बोर्ड्स के एडमिशन आएंगे, जैसे ही बोर्ड्स के रिजल्ट वगैरह आएंगे, तो उसी बेसिस पे आपके एडमिशन होंगे। तो कैसे आपके एडमिशन होने वाले इस बार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बोर्ड्स के मार्क्स पे ही होने वाले हैं, मेरिट बेस, एंट्रेंस बेस, मेरिट बेस क्या है सारा आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 टाइप्स एडमिशन होते हैं, ठीक है। मेनली कुछ कोर्सेज के लिए, 7-8 कोर्सों के लिए आपको कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस देना पड़ता है, वो भी मेनली कुछ कोर्स हैं, मैं आपको बताऊँ, BMS मैनेजमेंट के हैं, बिजनेस के हैं, क्लैट के हैं, जो कि 7-8 कॉलेज आपके सुखदेव वगैरह क्या लेते हैं एंट्रेंस, ड्यू जेट लेते हैं, ड्यूएट होता है, CUCTs का हो सकता है कम चांस है, बिल्कुल ही चांस नहीं है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है इस बार एडमिशन कमेटी के, जो राजीव एडमिशन के चेयरमैन है राजीव गुप्ता, उन्होंने बोला है कि हम सारा कंप्लीट गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, कि क्या वो डिसीजन देती है। तो आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ आते हैं, कट ऑफ से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर कट ऑफ के बेसिस पे आपके एडमिशन होते हैं। तो इस बार आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 15 जुलाई को आपके रजिस्ट्रेशन बिगिन है, चालू है, आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं 15 जुलाई को, जिसमें कि आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपका जो है
कट ऑफ आती है, कट ऑफ के बाद अपने मार्क्स के बेसिस पे आप फॉर्म भरते हो, और फॉर्म के बाद आपके कट ऑफ में कॉलेज सेलेक्शन होता है। तो आपके जो मोस्ट पॉपुलर चार कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, बीए इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम हो गया, और जितने भी कोर्सेज हैं उनके मोस्ट पॉपुलर ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं उनमें कैसे कट ऑफ जाती है, कट ऑफ के बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, एडमिशन के प्रोसीजर। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो कि एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊँ कट ऑफ 99 तक जाती है। बेस्ट टॉप कॉलेजेस की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, टॉप 10 कॉलेजेस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। और आपको अभी सबसे पहले तीन मेन अपडेट है। फर्स्ट इज दैट कि आपके जितने भी एडमिशन होगा मेरिट बेस होगा बोला गया, एंट्रेंस का स्कोप बहुत कम है, ठीक है। तो एंट्रेंस का स्कोप कम है तो मेरिट बेस होगा, इस बार भी कट ऑफ आएंगे आपके मेरिट बेस, मीन्स आपके 12th मार्क्स के, 12th के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। सो वेट करें आप अपने 12th मार्क्स का, और उसके बेसिस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और 15 जुलाई को आपके आने वाले हैं, और आपका इस बार ज़्यादातर राजीव गुप्ता जी ने भी बोला है कि आपके एडमिशन मेरिट बेस पे होने वाले हैं। तो मेरिट बेस पे होगा, कट ऑफ आएगा, आपको अप्लाई करना है 15 जुलाई को, मेन डेट है ये आपकी। तो ये सारी अपडेट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको सारी चीज़ें मैंने बताई है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। एक और चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे आपके एडमिशन होने वाला है, किस मोड पे। जैसा पिछली बार हुआ था आपका सारा ऑनलाइन जा करके होगा, क्योंकि ऑफलाइन 2 साल पहले होता था लाइन में लगना पड़ता था फॉर्म। जब हमने अपने टाइम पे एडमिशन लिया था तो हमें जाना पड़ता था कॉलेज में फॉर्म भरते थे तो तब एडमिशन होता था। बट आप लोगों को सीधा सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, प्रोसीजर आपका ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, कट ऑफ आएंगे, फिर उस कॉलेज में अप्लाई करोगे, ऑनलाइन घर बैठे आपको ड्यू में एडमिशन मिलेगा, फिर जब खुलते हैं तो आप कॉलेज आएंगे। तो आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है, 15 जुलाई को आपको फिल करना है, आपको अपना एग्ज़ाम के बाद आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आपको 15 जुलाई को अपने अप्लाई करना है ड्यू में, और ऑनलाइन होने वाला है, और मेरिट बेस कट ऑफ आपकी आती है जिसके बेसिस पे आपके एडमिशन होंगे, परसेंटेज वगैरह। और जो एंट्रेंस को लेकर आपको डाउट है, तो एंट्रेंस कुछ ही कोर्सों में होते हैं और कुछ कॉलेज ही कंडक्ट करवाते हैं, ड्यू जेट हो गया, ड्यूएट हो गया, जैसे कि बिजनेस के कोर्सेज जितने होते हैं क्लैट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक पूरा कमेटी है जो कि मींस लॉ के, लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ है जो कि लॉ का देखती है, उसमें होते हैं, और बाकी आपके ड्यू जेट डुएट वगैरह होते हैं जो कि एंट्रेंस, बस बाकी 7-8 कोर्स में ही एंट्रेंस है, बाकी सब में आपका मेरिट बेस होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 15 जुलाई को अप्लाई कर देंगे। कंप्लीट गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो 12th के सभी स्टूडेंट्स के साथ जो भी 12th क्लास में हैं। हाँ, तो आप अपने जूनियर्स को गाइड करें और शेयर करें क्लास 12th बोर्ड्स के जितने भी अभी पास हो गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको आप शेयर करो, और वो अब एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सारा प्रोसीजर कैसे कैसे लेना है तो मैंने रिसर्च करके सारी चीज़ें बताई हैं आपको। तो तीन चीज़ें आप ध्यान रखो, ऑनलाइन मोड में एडमिशन होगा, 15 जुलाई को आप अप्लाई करना है, और मेरिट बेस होगा। थैंक यू सो मच, सब शेयर कर दो, बने रहना इस चैनल पे, क्योंकि आपको आगे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। जय महाकाल।